गुप्त सूचनाओं के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स ने तस्करी से पहले भारी मात्रा में याबा टैबलेट के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में आलम शेख, राजू शेख, अब्दुल रकीब और रिपन शेख हैं। गिरफ्तार सभी मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं और नशीली दवाइयों की जो कीमत है वो लाखों में बताई जा रही है। पर नई जलपाईगुड़ी थाने के पुलिस प्रशासन ने तदंत के लिए ज्यादा कुछ नहीं बताया, परंतु आम आदमी के मन में एक सवाल है कि सामने पूजा के त्योहार हैं और सिलीगुड़ी शहर को कोऑर्डिनेटर बनाकर सभी प्रकार की तस्करी चलाई जा रही है। और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने कहा कि सभी नशीले टैबलेट का कारोबार पर पाबंदी लगा चुके हैं। और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने एक वार्ता में कहा है कि से नो टू ड्रग्स।